आईएस वीडियो आपको पेश कर रहा है दैनिक करंट अफेयर्स का विश्लेषण। सरकार निर्भया फंड के तहत 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की मंजूरी दे रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है, भारत में कब स्थापित किया गया था, निर्भया फंड क्या है, निर्भया फंड के तहत प्रमुख पहलों क्या थी, जीएस पेपर एक महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दे। इस वीडियो में आप सभी उपरोक्त प्रश्नों के लिए विस्तृत उत्तर पा सकते हैं। उपरोक्त लेख से प्राप्त किया गया है। जो हम प्रदान कर रहे हैं वह पूर्ण वीडियो में से केवल 10% नमूना है। हमारी वेबसाइट www.hindi.isvideos.com पर जाएं और सभी वीडियो देखने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल हों। ये किस संदर्भ में है? महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में लंबित बलात्कार के मामलों का निपटाने के लिए शुक्रवार को 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों FTSSC की स्थापना को मंजूरी दे दी और यौन अपराध अधिनियम 2012 से बच्चों का संरक्षण प्रस्ताव निर्वाह कोष के तहत अधिकारियों की अधिकारित समिति को कानून मंत्रालय के तहत न्याय विभाग द्वारा किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है, भारत में कब स्थापित किया गया था? फास्ट ट्रैक कोर्ट FTC की स्थापना वर्ष 2000 में भारतीय लंबित सत्रों और अन्य निचले न्यायिक मामलों को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। अनुमान के अनुसार देश की सभी अदालतों में 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद 2000 में कुल 1734 FTC को मंजूरी दे दी गई थी। इनमें से 2005 तक केवल 1562 कार्यात्मक थे। 16 दिसंबर 2012 सामूहिक बलात्कार और एक युवा फिजियोथेरेपी छात्र की मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया। इसने फास्ट ट्रैक कोर्टों को जीवन का एक नया पता दिया। निर्भया फंड क्या है? निर्भया फंड 2013 में बच्चों और महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। ये फंड आर्थिक मामलों के विभाग DA में सार्वजनिक खाते में को अर्पज के रूप में बनाया गया था। फंड को लगभग 2000 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। इसके अलावा 2014 से 15 में 1000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी और वित्तीय वर्ष 2016 से 17 और 2017 से 18 के लिए 550 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। 2017 से 18 तक निर्भया फंड के लिए सार्वजनिक खाते में स्थानांतरित किया गया को अर्पज 3100 करोड़ रुपए है। निर्भया फंड के तहत प्रमुख पहलों क्या थी? एक रेलवे हेल्पलाइन के माध्यम से केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों में ट्रेनों में एक SOS चेतावनी प्रणाली की स्थापना की एक पायलट योजना, 32 शहरों में सार्वजनिक परिवहन में CCTV कैमरे और GPS की स्थापना। इस योजना का प्रस्ताव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1700 करोड़ रुपए के बजट के साथ किया था। यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए पहली बिंदु पहुंच के रूप में हर जिले में सरकारी अस्पताल के पास निर्भया केंद्रों की स्थापना। 244 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना का प्रस्ताव दिया था।